गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 8:30 और मैंने चाय पी ली है, मशीन में कपड़े भी लगा दिए हैं और मैंने अब इस समय नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ता बनाने के बाद रजनी की इंतज़ार करूँगी और आज का जो ब्लॉग होगा वो रजनी और जिम्मी के नाम होगा, क्योंकि रजनी जो है वो भी बहुत दिल से काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। उसको डांटती हूँ तो भी हंस देती है, तो वो जिम्मी को भी बहुत प्यार करती है, तो इसलिए आज का ब्लॉग जिम्मी और रजनी के नाम। तो आगे का ब्लॉग जो भी होगा वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। आज रजनी सीढ़ी की ग्रिल साफ़ कर रही है साबुन वाले सरफ वाले पानी से कपड़ा भिगो के, क्योंकि हफ्ते में एक बार ये पूरी नीचे से ऊपर तक ग्रिल साफ़ करती है और ऊपर का दरवाज़ा भी। जिम में क्या करवा रहा है? सफाई करवा रहा है आंटी से? हाँ, छत पर आया घूमने, शायद छत हो रही है ग्रिल साफ। ओ जिम्मी, जिम्मी भैया कहे, भैया वो आ भैया गया भैया, कहे, वो आ गया वो भैया। देख रहा है तो अच्छी तरह ग्रिल साफ कर रही है कि नहीं कर रही। जिम्मी घूमी घूमी करेगा और मम्मी कपड़े सूखने डालेगी, कपड़े धुल गए हैं और ये जिम्मी घूम रहा है। जिम्मी को छत पे बहुत मजा आता है। कहाँ गया जिम्मी? पौधों के बीच में, पौधों के बीच में। कहाँ गया? ये रहा, बहुत आराम से घूमता रहता है। जिमी जिम कहाँ गया? ये रहा, आज सिर्फ वीडियो जिमी और रजनी के। सारे अपने पौधे भी दिखाती हूँ छत के। गद्दों पे धूप लग रही है, छत पे पौधे भी हैं, कपड़े सूखने डाल रही हूँ और ये जिम्मी मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। ये देखिए कितने अच्छे फूल आए हुए हैं। और रजनी जो है पौधों में जो गंदगी है गमलों में से वो निकाल रही है। और ये आ गया जिम्मी फिर से। तो इस तरीके से बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं छत पर, ये देखिए खूब सारे पौधे हैं, दूर दूर तक पूरे पौधे लगे हुए हैं इस तरीके से। तो रजनी ने सीढ़ियों की ग्रिल साफ कर ली है और दरवाजा भी साफ करा है और जिम्मी को कोई काम नहीं है, है ना जिम्मी? सिर्फ पौधे सूंघता रहता है। हाँ, क्या मजेदार आ रही थी जिमी को। ये देख जिमी, कौन आया, कौन आया? पता नहीं, बीच में तो बोल रहे थे कि पानी आ नहीं रहा है। कल तो टंकी से पानी निकाल रहे थे ना? अब उसका नहीं पता मेरे को। अभी धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, अब जिम्मी नीचे चलेगा, नीचे जाने, धूप हो गई बहुत तेज। कपड़े भी सूखने डल गए हैं और रजनी अपना काम कर रही है। काम हो गया, अब रजनी नीचे की सफाई कर रही है। कहाँ पे? मथुरा? तो चली जाती। जिम्मी इंतजार कर रहा है। जिम्मी किसका इंतजार कर रहा है? भैया नहीं आया, अभी आएगा। अब नीचे से खड़ा हो जाओ, दूध पियो, रोटी खाओ। लक्ष्मी आया? तुषार नहीं आया? कौन, किसके पास जाना है? आज जिम्मी बहुत परेशान है क्योंकि आज दोनों जने घर नहीं है अभी, है ना? कहाँ है रजनी? वो देख, वो रही, वो पोछा लगा रही है। वो देख जिम्मी के लिए साफ कर रही है कि जिम्मी बैठेगा। वो देख पोछा लगा रही, वो देख बॉल निकली कितनी बड़ी वाली फुटबॉल। इसकी छोटी वाली बॉल भी देखियो कहाँ है, वहां सोफे उफे के आसपास तो नहीं है? रानी बोले
रजनी अपना सारा काम कर कर चली गई है। उसका काम ख़त्म हो गया है, छत भी साफ़ कर ली, घर उसने पूरा साफ कर दिया है, और मैंने भी अपनी जो समेटा समेटी थी सब पूरी कर दी है। और ये देखिए, ये हमारे बाबा की, साईं बाबा की बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ी फ़ोटो है जो बिल्कुल घर के दरवाजे के आगे लगी हुई है। और अभी ये देखिए, सारा घर एकदम बिल्कुल साफ़ है, और अभी घर पर भी कोई नहीं है, बच्चों ने भी आना है। और ये देखिए, ये मेरा जिम्मी जो है अब इस समय ऊपर से आया है, थक गया है और रेस्ट कर रहा है, और ये उठेगा जब इसके अब भाई आएंगे ना, नीचे से बेल बजाएंगे तब उठेगा। तो जिम्मी, आपको हमारा कैसा लगता है मुझको बिल्कुल आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ये हमारा छोटा सा मंदिर है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिम्मी कैसा लगता है आपको, प्यारा लगता है, क्यूट लगता है, और इसकी आपकी आपको इसकी हरकतें कैसी लगती हैं। तो चलिए, ये देखिए, ये मेरी किचन एकदम बिल्कुल, ये देखिए एकदम साफ़ सुथरी, क्लीन एकदम कर कर, बहुत अच्छी सफाई करती है रजनी, कर कर चली गई है। ये देखिए, गैस चूल्हा भी एकदम साफ़ है, कढ़ाई रख दी है, दाल उबल गई है, और ये मेरी हांडी है जिसमें मैं कभी कभी दाल बनाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है इसमें दाल बनाना। और ये आज के वीडियो की तैयारी है, और देखा आपने, अभी वाइपर नहीं रख कर गई, यहीं छोड़ गई है, अभी मैं इसको बाथरूम में रखूँगी। तो इस तरीके से एक दीवार पर पूरी मेरे यहाँ पर फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी, और सबकी फ़ोटो है, किसी दिन अलग से दिखाऊँगी। तो अभी पूरा घर अच्छी तरीके से हो चुका है, तो अब मैं वीडियो को बंद करती हूँ, और आपको फिर नए ब्लॉग में ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। सब काम खत्म हो गए हैं, रजनी चली गई है, और जिम्मी अब रेस्ट कर रहा है, और जिम्मी को मैंने छेड़ना भी नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी वीडियो भी बनानी है, और अब मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी, और उसके बाद सब जने जब आ जाएंगे, तो आज मैं जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, दाल मखनी बनाने वाली हूँ, साथ में चावल बनाऊंगी, रेस्टोरेंट स्टाइल मैं दाल मखनी बनाऊंगी। और अगर वीडियो देखनी हो ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखें कि दाल मखनी की रेसिपी देखनी है, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। और सच्ची बताऊं तो मेरे को ब्लॉग्स का कुछ समझ नहीं आता है कि किस तरीके से क्या ब्लॉग बनाने हैं, किस टॉपिक पर बनाने हैं। मैं अभी शुरू करा है, तो अभी उस दिन भी मैंने घर पर ऐसे ही मॉर्निंग का बनाया था, आज भी मैंने जिम्मी और रजनी का बनाया है, और आगे देखती हूँ, सोचूंगी किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करूँ इन ब्लॉग्स में और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ। तो अभी चलते हैं, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, और फिर मिलेंगे एक और कुछ थोड़ा सा अलग हटकर ब्लॉग में। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में भी लिखना कैसा लगा ब्लॉग, और सब्सक्राइब करने से यह होता है कि आप लोगों को नोटिफिकेशंस जल्दी जल्दी मिल जाती हैं। तो चलिए, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।